दोस्तों तो अभी मैं उठ गया हूँ और मेरे को बहुत बढ़िया नींद आई यहाँ पर, क्योंकि 12 घंटे गाड़ी चलाई थी मैंने कल को, तो फिर उसके बाद जैसे ही मैं लेटा तो मेरे को वैसी नींद आ गई। तो फिर अभी उठे हैं, तो फिर यहाँ पे अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और ठंडा भी हो रहा है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो फिर मैं भी जा रहा हूँ नीचे नहाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पहाड़ का ही पानी आता है, जो कि सुबह के टाइम पे जिससे भाप आती है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म आता है, तो फिर मैं उसमें ही नहाऊँगा। यहाँ पे छाता अटक गई। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ऊपर को मंदिर है, नहाएंगे फिर उसके बाद अभी 8 बजे पुजारी जी आएंगे, उसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे माँ भगवती के। तो फिर यहाँ पे छोटे छोटे से कुंड हैं जहाँ से पानी के स्रोत निकलते हैं, जैसे कि आप ये देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सुबह सुबह को भाप निकलती है, तो फिर यहाँ पर इनने सेपरेट बाथरूम बनाए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर से धुआं आ रहा है, भाप आ रही है, मतलब देखिए पानी से, जिससे नहा के बहुत बढ़िया लगता है। तो फिर अभी जाता हूँ और मैं भी नहाता हूँ अंदर। छाता को बंद कर देते हैं, साइड पर रख देते हैं छाता को, और मैं भी कपड़े खोलता हूँ, उसके बाद नहाते हैं। दोस्तों अभी मैंने कपड़े खोल दिए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है दोस्तों, तो फिर मैं जाता हूँ और नहा के आता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ दोस्तों। दोस्तों तो अभी मैंने नहा लिया है, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों यहाँ पे नहा के। ठंडा लगा पर ऐसा लगा कि मज़ा आ गया, बॉडी पूरी खुल चुकी है। तो फिर मैं जा रहा हूँ अभी, ज़रा कपड़े पहनता हूँ धर्मशाला में जाके, तो फिर जाते हैं और कपड़े पहनते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं और फिर आपको करवाते हैं माँ भगवती के दर्शन दोस्तों। दोस्तों तो अभी एकदम तैयार हो चुके हैं हम लोग, तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं माँ भगवती कोटगाड़ी देवी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों चलिए चलते हैं माँ भगवती के दर्शन करने के लिए। जय माँ कोटगाड़ी। यह है दोस्तों देखिए मैया का भव्य मंदिर, तो फिर अभी इसके अंदर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। पिठा लगाओ बहन, लगा दीजिए। भंडारी बोल के वहाँ रखी है, 32 में है, ये अलग से है ना। ये बत्ती यहीं रख देना, जला देना।
दोस्तों अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं और फिर अभी हम लोग मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ये देखिए फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा है दोस्तों, पाँव पूरे जम चुके हैं। ये देखिए शेषनाग दोस्तों, देखिए ये है मैया का भव्य मंदिर जो कि अभी मैंने आपको अंदर दिखाया था। तो हम लोग अभी परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है दोस्तों और बहुत ज़्यादा भक्ति भाव का माहौल है यहाँ पे। ये हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं और इनसे यहाँ के बारे में इतिहास, यहाँ के इतिहास के बारे में मालूम करेंगे। हाँ पंडित जी आप कुछ बताएंगे। ये जगदम्बा का मंदिर है और यहाँ सुदूर क्षेत्रों से लोग आते हैं, जगदम्बा माता रानी इनकी मनोकामना पूर्ण करती है जो भी यहाँ पर आता है। और यहाँ पर ये शक्तिपीठ है, पिंडी के रूप में माता जी यहाँ पर हैं और ऊपर में कालीनाग जी का धाम है, वहीं पर पिंड उनका भी लिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। यहाँ सुदूर क्षेत्रों से लोग आते हैं जो अपनी मन्नत लेके आते हैं, लोग माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और ये आदिशक्ति जगत जननी है, ये सारे विश्व का कल्याण करने वाली माता रानी यहाँ पर शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। नवरात्रि के टाइम में यहाँ पर 9 दिन देवी स्तुति पाठ पारायण पूर्णावधि होती है और सुदूर क्षेत्रों से लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण मन्नत मांगने के लिए, उनकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती हैं। पंडित जी यहाँ पर जो धर्मशाला का आयोजन कब से हुआ, कितने साल से हो गए यहाँ धर्मशाला जो रात को रहने के लिए विश्राम का? यहाँ धर्मशाले पहले से भी थे और उनका अब सौंदर्यीकरण होने के कारण अब बड़े हो गए, विस्तार हो गया उनका और विस्तार होकर रहने के लिए बर्तन आदि सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर यात्रियों को उपलब्ध होती हैं। लोग आते हैं यहाँ, रात्रि विश्राम होता है और भोग भंडारा प्रसाद वगैरह सारा उसको प्राप्त होता है। रात को यहाँ कितने साधु संत लोग रहते हैं यहाँ पर? साधु महात्मा लोग अभी वर्तमान में तो 2 महात्मा यहाँ पर रहते हैं, एक यहाँ सामने हैं एक ऊपर में रहते हैं और वैसे भी महात्मा लोग आते हैं और कुछ दिन रहने के बाद फिर चले जाते हैं मेरे आश्रम में, आते जाते रहते हैं महात्मा लोग, तपस्या करने के लिए आते हैं यहाँ पर। जी जी बहुत लोग, जैसे यहाँ पर एक पहले एक हल्द्वानी से आए थे कोई जोशी जी थे, हाँ वो भगत जी, भगत जी आए थे, एक साल उनने तपस्या करी जी तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी होगी मैया जी, जी उनकी मन्नत भी पूर्ण करी माता रानी ने, एक साल तक उन्होंने यहाँ पर अखंड दीप जलाए और उन्होंने भी अपनी यहाँ पर तपस्या एक साल तक की। ठीक है धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जय जयकार, आपका कल्याण माता रानी कल्याण करे। और हम लोगों का भी जब यहाँ से मनोकामना पूर्ण हो जाए हमारे लिए भी प्रार्थना कर देना, माता रानी आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोलो कुटबाड़ी मैया की जय। दोस्तों अभी हमारे माता के मंदिर में दर्शन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो फिर अभी हम लोग वापस धर्मशाला में आ चुके हैं और फिर अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और अपनी कार में बैठ के आगे को चलते हैं दोस्तों। तो फिर अभी हमने सारा सामान कार के अंदर डाल दिया है और फिर आप यहाँ का मौसम चेक करिए दोस्तों, बहुत शानदार मौसम हो रहा है, देखिए पूरा कोहरा लगा हुआ है। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे देखिए चाय और मैगी खाते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं आगे को। दोस्तों ये देखिए अभी हमारी चाय आ चुकी है और देखिए मौसम में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। ये देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हमने कार खड़ी करी थी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और ये है देखिए यहाँ पर मंदिर का गेट और इसके बाहर पर ही है दुकान। तो फिर यहाँ पे हम लोग अभी चाय पी रहे हैं और देखिए यहाँ पे एक हमारा दोस्त मिला हमें। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे नाश्ता भी कर लिया है, मैगी और चाय पी ली और अभी मैं जरा सा समोसा खा रहा हूँ। तो फिर ये देखिए दोस्तों क्या यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पे सब लोग अभी कार के अंदर बैठ चुके हैं, तो फिर मैं भी कार के अंदर बैठता हूँ
और फिर चलते हैं आगे को। बैरीनाग 7 किलोमीटर, अल्मोड़ा 100 किलोमीटर, हल्द्वानी 200 किलोमीटर। दोस्तों अभी हम लोग अल्मोड़ा पहुंचने वाले हैं और अल्मोड़ा यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे है। तो फिर अभी हम लंच करने के लिए रुके हुए हैं यहाँ पर। सुबह से हमने सिर्फ मैगी खाई थी और चाय पी थी और बीच में ऐसे बिस्किट और लेस खा रहे थे। तो फिर अभी हम लोग प्योर यहाँ पे लंच करेंगे। तो फिर हमने अभी 2 फुल मोमो कह रखे हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग खाएंगे वही थाली, पहाड़ी थाली खाएंगे। तो फिर यहाँ पे बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, हल्की हल्की सी बारिश आ रही है। तो फिर यहाँ पे देखिए, ये है मेरी बहन, ये मम्मी और ये पापा। तो फिर और आपको ज़रा सा बाहर का भी नज़ारा दिखा देता हूँ दोस्तों, कैसा मौसम हो रहा है बाहर से, ये देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और हल्की हल्की सी बारिश आ रही है। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, तकलीफ से आग सेकी जा रही है दोस्तों। तो ये देखिए अभी हमारे मोमो आ चुके हैं। तो फिर अभी हम लोग मोमो को एंजॉय करते हैं। कैसे हो रहे हैं मोमो? बहुत बढ़िया। तो फिर अभी हम लोग मोमो खाते हैं और फिर अभी खाना भी आता है तो वो भी दिखाते हैं आपको दोस्तों। दोस्तों तो ये देखिए अभी हमारी चाय भी आ चुकी है। तो फिर इनके मोमो इतने बढ़िया थे कि हमने 2 फुल और मंगा लिए इनसे। फिर तब तक हम लोग चाय का मज़ा लेते हैं, तब तक हमारे मोमो आ रहे हैं। सॉरी, ये काढ़ा है दोस्तों। देखिए अभी हमारा लंच आ चुका है, सलाद, चटनी, सब्जी, दाल और रोटी। तो फिर अभी हम लोग इसको खाते हैं और फिर तब आपसे मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हमने भरपेट खाना खा लिया है पर अभी हमारे मोमो आ गए हैं। तो फिर मोमो इतने टेस्टी हैं कि हम लोग अभी भी मोमो खा सकते हैं। तो फिर अभी हम लोग मोमो खाते हैं। हमने खाना खा लिया है भरपेट और हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर खाना खा के। तो फिर अभी हम लोग बैठते हैं कार के अंदर और फिर यहाँ से अल्मोड़ा है 20 किलोमीटर और फिर अल्मोड़ा से है हल्द्वानी 100 किलोमीटर। तो फिर हमको अभी 120 किलोमीटर जाना है हल्द्वानी पहुंचने के लिए। तो फिर अभी सब लोग कार के अंदर बैठते हैं। एकदम ज़रा सा कमर सीधी करके अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मौसम भी अभी ज़रा सा बारिश कम हो गई है, पर बारिश अपने को क्या है, हम कार के अंदर आ रखे। तो फिर अभी बैठे हैं मम्मी लोग और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया खाना है दोस्तों, ग्रीन वेल रेस्टोरेंट पे। तो फिर आप अगर यहाँ से बाड़ी चिन्ना की तरफ को जाएँ अगर अल्मोड़ा से, तो फिर यहाँ पर ज़रूर खाना खाएँ। यहाँ पर बहुत बढ़िया खाना मिलता है दोस्तों, प्योर पहाड़ी खाना। तो फिर हम लोग भी बैठते हैं कार के अंदर उसके बाद और आपको दिखाते हैं आगे। दोस्तों तो फिर अभी हम लोग आ रखे हैं अल्मोड़ा के जू में। तो फिर यहाँ पर हेड 4 से 20 रुपये। तो फिर हम लोग अभी अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं और यहाँ का कैसा माहौल है अंदर का। हम लोग अभी हैं मिनी जू अल्मोड़ा में, ये देखिए। तो फिर हम लोग अंदर को जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों कि इसके अंदर कौन कौन से जानवर हैं और इसके अंदर का क्या माहौल है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है अभी तो। ये देखिए, मैं भी यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर को, तो देखते हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा जानवर देखने को मिलता है। तो फिर दोस्तों ये देखिए, जू के अंदर घुसते ही हमको देखिए तेंदुआ दिखने को मिला है। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है ये दोस्तों, क्या शानदार लग रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये भी आराम फरमा रहा है। ये देखिए दोस्तों, एक ये है, एक ये घूम रहा है और एक वो है, और अभी 3-4 इनके बच्चे अंदर भी हैं। सबसे बड़ा ये है, देख रहा है यहाँ को। बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है दोस्तों ये देखने में। फिर दोस्तों इन तेंदुओं को हम लोग करते हैं बाय और फिर चलते हैं अपने अगले जानवरों के पास। तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन से जानवर हैं। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है जिसके कारण मेरी सांस फूल रही है। तो फिर आपको ऑडियो क्वालिटी में पता चल रहा होगा,
तो आप देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सा कोहरा भी लग रहा है और बारिश भी आ रही है, तो बहुत बढ़िया मौसम है, ठंडा हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों, एकदम से डर सी लग गई दोस्तों, इतना आवाज़ निकाली। ये देखिए यह तेंदुआ। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं बाकी जानवरों के पास। फिर दोस्तों अभी हमको पता चला कि जो इसका दूसरा गेट है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो फिर अभी हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और फिर दूसरे गेट पर हमको गाड़ी से जाना पड़ेगा। तो फिर अभी जल्दी से पहुँचते हैं गाड़ी पर, उसके बाद आपको दिखाते हैं और कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पे अल्मोड़ा मिनी जू में। दोस्तों तो हम लोग अभी दूसरे गेट पे पहुँच चुके हैं, तो फिर अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं जू के। तो फिर यहाँ पर आपको देख के बताएंगे कि यहाँ पे हमको सबसे पहला जानवर कौन सा देखने को मिलता है। देखिए और आपको भी दिखाते हैं संग में। यहाँ पे हम बड़े संभल संभल के जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है और बारिश भी ज़रा सा बढ़ चुकी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको सबसे पहले देखने को मिला है बारहसिंगा। ये देखिए, इसको ना बारहसिंगा बोलते हैं और हिंदी में इसको सांभर भी बोलता है। ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहे हैं, और मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इनकी सिंघें कितनी प्यारी लग रही हैं। ये देखिए, और ये हिरन, और ये देखिए बहुत ज़्यादा हैं, और ये वहाँ पर भी हैं। तो मैं ज़रा आपको कैमरा अंदर डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे। तो अभी बारिश आ रही है और ये अपना खाना खा रहे हैं, इनको खाना दिया गया है अभी। और देखिए जो आप देख सकते हैं ये पीछे, ये छोटे छोटे इनके घर हैं, ये देखिए मिट्टी के अंदर बनाए गए हैं, और यहाँ पर भी हैं। अभी हमको देखने को मिलेगा हिमालयन ब्लैक बियर, पर अभी बारिश के कारण वो अपने घर के अंदर छुपा हुआ है, तो फिर हम लोग उसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं वो कहाँ पर है। ये देखिए, ज़रा सा दिखाई दे रहा है, बस उसका सर दिखाई दे रहा है। ये देखिए उसके कान है, ये हल्का सा दिखाई दे रहा है, बस बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि बारिश के कारण हो रहा है और यहाँ पर ठंडा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए ये टायर लगाया हुआ है, मेरे को लग रहा है कि भालू यहाँ पर आके इसमें बैठता है या फिर झूला झूलता होगा, जो भी करता होगा, हम तो देख नहीं पाए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए उसकी नाक दिख रही है, उसको बुलाने की कोशिश करते हैं। लग रहा है अभी वो सो रखा है गहरी नींद में, उसकी नाक दिख रही है बस खाली। तो फिर हम लोग जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे और कौन से जानवर हैं। उनको छोटे छोटे से दो खरगोश भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इनको देखिए, ज़रा सा ठंडा लग रहा है शायद, तभी ऐसे चिपक के बैठे हुए हैं। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। और ये देखिए, यह है यहाँ पे, देखिए सफ़ेद बंदर भी है, यह भी रोटी खा रहा है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है ये। यहाँ को देखिए, हमारे पास को आ रहा है, देखिए पास से देखिए इसे, ले। तो फिर हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। और फिर ये देखिए, शायद ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो करना चाह रहा है ये। ये देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है ये आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। तो फिर दोस्तों अभी हम लोग जू से बाहर आ चुके हैं और हम लोग बहुत सारे जानवर नहीं दिख पाए क्योंकि अभी बहुत ठंडा हो रहा है और यहाँ बारिश भी हो रही है और अभी जू के बंद होने का टाइम भी हो गया है। तो फिर हम लोग अभी बैठते हैं कार में और फिर जाते हैं सीधे अल्मोड़ा को। दोस्तों तो फिर हम लोग अभी कार के अंदर बैठ चुके हैं और फिर यहाँ से अल्मोड़ा है 6 किलोमीटर और फिर हल्द्वानी है 102 किलोमीटर। तो फिर हम लोग अभी पहुँचते हैं अल्मोड़ा और फिर आपको दिखाते हैं अल्मोड़ा की बाज़ार। आज अल्मोड़ा मार्केट लगता बंद है, आज संडे है ना इसलिए, इसीलिए आज काफी यहाँ तो और बहुत भीड़ रहती है। इसके अंदर से लाला बाजार का मार्केट है। अच्छा, अंदर लाला बाजार, यहाँ से अंदर वो लाला बाजार है। ये सबसे फेमस मार्केट है, फेमस मार्केट अल्मोड़ा की। हाँ जी, और ये है ग्लोरी होटल, यहाँ आगे आएगा, ये है ग्लोरी, ये ग्लोरी होटल, ये है वो, वहाँ आएगा शिखर होटल। कहाँ जाना? सीधे 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 अभी आएगा शिखर होटल, अल्मोड़ा का फेमस। ये है शिखर होटल इस तरफ, ये है अल्मोड़ा शहर के अंदर का पेट्रोल पंप, ये छोटा सा काफी कम जगह में बना हुआ है और पर ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है ये। आज देखिए अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बारिश भी हो रही है और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है वैसे तो। यहाँ पे यहाँ से नीचे को जाना है सर ना,
अभी सीधे निकल लो, अभी देखो कुछ पुलिस वाले बोलते नहीं है तो चलो चलो शॉर्ट निकल रहे हैं हम लोग अभी। ओके हाँ चलो चलो, अभी हम शॉर्ट रास्ते से निकल रहे हैं तो ये ठीक हो गया। अभी आज बाईपास खुला हुआ है। अच्छा पहले वरना यहाँ से भेजते हैं नीचे से? हाँ जी, और यहाँ से ऊपर लाला बाजार के लिए रास्ता निकलता है यहाँ से। अच्छा एक रास्ता वहाँ से, ये पैदल रास्ता है यहाँ से, और ये है, ये आ गया रोडवे स्टेशन अल्मोड़े का, ये अल्मोड़े का रोडवे स्टेशन आ गया। ये दिल्ली से गाड़ी आ गई है जिला सहकारी बैंक, और ये आपके अल्मोड़े में मॉल दिख रही है। आज मैक्सिमम सब बंद है आज, इसलिए पूरी सुनसानी नजर आ रही है। दोस्तों हम लोग अल्मोड़ा आए और फिर बाल मिठाई ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर अभी हमने लिया बाल मिठाई, चॉकलेट वाली मिठाई और फिर सिंगौड़ी, तो फिर आपको भी दिखाते हैं दोस्तों, और फिर हम लोग खा के देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। यह है दोस्तों बाल मिठाई, यह है सिंगौड़ी, यह है मिल्क केक, यह है सोन पापड़ी, यह है चॉकलेट वाली मिठाई, यह है पेड़े, और यह है लड्डू, और इसको भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर यह भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो फिर हम लोग इसको खाते हैं और फिर इस बारिश के मौसम का मज़ा लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग अपनी कार में पेट्रोल भरा रहे हैं और हम लोग अभी खैरना पहुंचने वाले हैं। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि अल्मोड़ा का जो हाईवे है वो पूरा टूट चुका है बारिश के कारण, और बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता हो गया है। और आप अभी यहाँ का मौसम भी देख सकते हैं, ये देखिए हल्की हल्की सी बारिश आ रही है, और मेरे पीछे देखिए ऐसा लग रहा है कि बादलों के ऊपर आ गया हूँ मैं, ये देखिए। तो फिर अभी जल्दी से बैठते हैं कार के अंदर, कार के अंदर पेट्रोल भर चुका है। दोस्तों अभी हम लोग रानीबाग पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगा है। तो फिर अभी हम लोग हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं। हल्द्वानी यहाँ से 12-13 किलोमीटर होगा। दोस्तों अभी हम हल्द्वानी पहुंच गए हैं। हल्द्वानी सिटी का नज़ारा देखिए,